तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहां से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख जरूर जाएँ, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के पूरे हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। आप सभी लोग यहां से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जिस प्रकार का कि मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आप सबको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं परीक्षा वर्ष 2022-23 का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो कि हिंदी विषय का है। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेट ए, बी और सी का सॉल्यूशन पहले ही मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, जिनकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप तीनों ही वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चारों के चारों हिंदी विषय के सेटों की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कि आप लोगों को पता है कि मैं अथवा वाले प्रश्न के भी उत्तर आपको बताता हूं, तो इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे हिंदी विषय के पेपर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को। इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख ले आप लोग छायावाद में। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा आदिवासी समाज के लिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है, इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, क्या लिखा है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, लता मंगेशकर को। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, चलना। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, 3 भेद होते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहां से रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर ने ईश्वर की सत्ता मानी। कबीर ने कितने ईश्वर की सत्ता मानी, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, कबीर ने 1 ईश्वर की सत्ता मानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। कवि पास का नाम पूरा नाम था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कवि पास का पूरा नाम था अवतार सिंह, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे अवतार, और इसके बाद में सिंह, और इसके बाद में आगे आपको लिखना है सिंधु। अवतार सिंह सिंधु, और इसके बाद में आगे लिखना आपको पास, ये इनका नाम था। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं हूँ दबे हुए आदमी में बड़ी मुश्किल से कहा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना है, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, मैं लावारिस हूँ, लावारिस। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से लिख लेना है, मैं लावारिस हूँ, दबे हुई आदमी ने कहा था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की जो भीम बेटिका की गुफा है, इनको सेल चित्रों के लिए जाना जाता है, भीम बेटिका, यहाँ से आप लोग लिख लें। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आएगा आपका इंटरनेट। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इंटरनेट जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इनको अलंकार कहा जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि पुरुष से निकलता है का शुद्ध रूप होगा, सातवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका शुद्ध रूप होगा रवि पूर्व से निकलता है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है रवि पूर्व से, और उसके बाद में आगे लिखना होगा आपको निकलता है, रवि पूर्व से निकलता है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग लिख लें, ये इसका शुद्ध रूप होगा, इस जगह पर आपको लिखना होगा रवि पूर्व से निकलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर तीन में आपको जोड़ी मिलान देखने को मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहले नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको सा से कर लेना है, और दूसरे नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे करना है, दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग ई से कर लें, और तीसरे नंबर पर जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेंगे, और चौथे नंबर पर जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेंगे, और उसके बाद में पाँचवें नंबर पर जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें बाँ से, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार में प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को अन्य नाम से दिया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको दूसरा नाम दिया गया श्रृंगार काल। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, मियाँ नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियाँ बनाना जानते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियाँ बनाना जानते थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन लिखा है, यहाँ पर लिखा गया आलो अंधारी किस भाषा का शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आलो अंधारी जो है वो बंगाली भाषा का शब्द है। यहाँ से आप लोग लिख लें बंगाली भाषा का ये शब्द है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द कोश में लगभग कितने शब्द हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शब्द कोश में लगभग 500,000 शब्द है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 5, और इसके बाद में आपको लिखना होगा लाख। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें क्या लिखा है, दसवां रस किसे माना गया है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है दसवां रस जो है वात्सल्य को माना गया है, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको लिख लेना है ऐसी जगह पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, इस जगह से आप लोग लिख लें विशेषोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है इनको कहते हैं भाव पल्लवन। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इनको, ये कहा जाता है भाव पल्लवन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पाँच में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, पुरोहित वंशुधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बादलों के घेरे कृष्णा सोपती का कहानी संग्रह है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे के नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा, तात उसने बेबी को पढ़ाने के लिए बंगाल अभिधान की पुस्तक दी। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लैशबैक वे तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठे नंबर को देखते हैं, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो छठे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें,
और इसके बाद में आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने 32 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उन सभी का सॉल्यूशन तो आपको मैंने पेपर के ऊपर ही दे दिया है। अब बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इसकी आंसर शीट को देखते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के सारे प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। मगर प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को देख लें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और समझ लीजिएगा टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप लोग इस पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों को देख लें अच्छे से, और इसके बाद में फिर मैं आपको पूरी की पूरी इसकी आंसर शीट बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग देख लें, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा टोटली आपके पेपर में ये 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैं यहां से आपको बता चुका हूं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप आगे बढ़ते हैं और ये जो आपके सभी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अब हम देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह रही आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं की हिंदी विषय के सेट डी की पूरी आंसर शीट। आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। देखिएगा सही विकल्प आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सही विकल्प आपको पेपर के ऊपर भी मैंने हल करवा दिए थे और ये आपके रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लें और उसके बाद में ये आपकी जोड़ी दी गई है, आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को अच्छे से देख लें और समझ लीजिएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन 4 में आपसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया, श्रृंगार काल। तो देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस के उत्तर यहां पर लिखे गए हैं, आप सभी लोग यहां से इनको नोट कर लें। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं, आप लोग यहां से इनको भी देख लें और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिए गए, प्रगतिवादी कविता की कोई दो विशेषता आपको बतानी है, भारतेंदु युग की दो विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संकलन त्रय क्या है। यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख लेंगे और नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कहानी के तत्व लिखिए। तो यहाँ से आप लोग कहानी के तत्वों को अच्छे से नोट कर लें, ये आपसे इसके अथवा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा में। और ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा प्यारे विद्यार्थी, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है पूरा, और ये क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यहाँ से आप लोग सभी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग रेजाड़ी पानी को अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, जेठ का कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्धृत करता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके बाद में ये कुछ इसका उत्तर लिखा है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दिया गया है। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है, जिसमें कि लिखा गया, संचार क्रांति क्या है। तो यहाँ से आप लोग संचार क्रांति को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 12 लिखा है, जिसमें कि लिखा गया है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर बताइए। तो यहाँ से आप लोग महाकाव्य और खंडकाव्य के अंतर को नोट कर लें। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो देखिएगा मुक्तक छंद की परिभाषा दी गई है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गज़ल की कुछ विशेषताएँ अथवा बारीकियाँ बताइए। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है, बिंब के मूलभूत तत्व कौन से हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, देख सकते हो, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के दो अंतर बताइए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतरों को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा क्या लिखा गया है, क्षेत्रीय शब्दों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा डिबिया और सांकर ये क्षेत्रीय शब्द हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, जिसमें कि लिखा गया है, निर्देशानुसार आपको वाक्य परिवर्तित करने हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहां से देख लें आप लोग क्या लिखा है, दरिद्र होने पर भी वे ईमानदार हैं। तो यहां से आप लोग इस क्वेश्चन को देख ले पूरा और नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां से देख लें, अवतार सिंह सिंधु पास अथवा कबीर का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो यहां से आप लोग इसको लिख लें, ये रचनाएं लिखी है, ये इसका भावपक्ष लिखा है, ये कला पक्ष लिखा है, और ये साहित्य स्थान दिया गया है। और उसी के नीचे यहाँ पर आपको अवतार सिंह सिंधु पास का जीवन परिचय देखने को मिलेगा। रचनाएं देख लें, भावपक्ष को देख लें, इसके बाद में कला पक्ष को देख लें, और साहित्य स्थान को देख लें। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें, प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। ये भाषा लिखी है, ये शैली को लिखा गया है, इस प्रकार से आप लोग देख
देख लें। और आगे लिखा गया है साहित्य में स्थान, तो देखिएगा हिंदी साहित्य में स्थान इनका दिया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखा है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये रचनाएं लिखी है, ये भाषा लिखी है, और उसी के नीचे ये शैली आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख लें, क्रिकेट खेलने के ऊपर दो मित्रों के मध्य संवाद को लिखी है, तो यहाँ से आप लोग इस संवाद को पूरा नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, और इसके अथवा में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा छात्र जीवन में अनुशासन विषय पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए, तो ये अनुच्छेद यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको दिया गया है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर रहा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश आपको पेपर में देखने को मिला था, ये सभी के सभी इनके उत्तर लिखे हैं, आप लोग यहाँ से इनके उत्तरों को नोट कर लें। और आगे बढ़ते हैं तो इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, प्राचीन संसार में इसका पूरा का पूरा यहाँ पर आपको इसके उत्तर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखा है, देख सकते हो यहाँ उम्र भर के लिए, तो देखिएगा इसका पूरा का पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहाँ पर की गई है, आप लोग यहाँ से इस व्याख्या को अच्छे से नोट कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से इसके अथवा वाले प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर की गई है, आप लोग इसको भी नोट कर लें। यह प्रश्न नंबर 22 लिखा है, देख सकते हो निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो यहाँ से आप लोग इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना सीख लें अच्छे से, ये इसकी व्याख्या की गई है पूरी। और इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, तो देखिएगा इसकी पूरी ही पूरी इस जगह पर व्याख्या की गई है, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा समझ लीजिएगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 22 लिखा है जिसमें कि पूछा गया है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची की खो जाने पर दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस आवेदन पत्र को लिख लें पूरा का पूरा और इसको नोट कर लें इस प्रकार से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें जीवन में खेलों का महत्व, इस जगह से आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा इसका जीवन परिचय इस जगह पर लिखा गया है, जीवन में खेलों का महत्व, तो इस जगह से आप लोग पूरा देख लेंगे और इसको नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावना ये लिखी है खेलों के संबंध में पूर्वजों की मान्यता क्या है, और उसके बाद में खेलों के प्रकार लिखे हैं यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, जीवन में खेलों के महत्व लिखे गए हैं, और जीवन में खेलों का महत्व ये आप सभी लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।